आप सबने मुंबई टेस्ट, लॉर्ड्स टेस्ट, कोलंबो टेस्ट वगैरह तो सुना होगा, लेकिन क्या आप वैसलीन टेस्ट के बारे में जानते हैं? जी हाँ, वैसलीन टेस्ट। चलिए मैं सुनाता हूं किस्सा वैसलीन टेस्ट का। ये वो टेस्ट मैच था जिसमें भारतीय स्पिनर और कप्तान बिशन सिंह बेदी ने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जॉन लीवर पर जोरदार आरोप लगाया था कि वो गेंद पर वैसलीन लगाकर स्विंग करवा रहे हैं। ये पहली बार था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। उस जमाने में यह आरोप बहुत संगीन माना गया। इस आरोप के बाद विश्व क्रिकेट में बवाल मच गया। हालांकि बेदी के लिए वैसलीन टेस्ट हानिकारक साबित हुआ। हुआ यह था कि 1976-77 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने भारत आई। पहले 2 टेस्ट मैचों में सबसे खास बात रही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन लीवर की घातक स्विंग गेंदबाजी। लीवर की विकेट के दोनों तरफ झूलती गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब छकाया। दिल्ली के कोटला मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में लीवर ने कुल 10 विकेट लिए और भारत की हार में अहम रोल निभाया। दूसरे टेस्ट यानी कोलकाता टेस्ट में भी लीवर की स्विंग का जलवा बरकरार रहा। नतीजा, भारत ये मैच भी हार गया। तीसरा टेस्ट चेन्नई में खेला गया। मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय बल्लेबाजों पर लीवर का खौफ छाया था। सभी बल्लेबाज इसी खौफ के साए में बल्लेबाजी करने उतरे। एक बार फिर लीवर की स्विंग के सामने बेहाल हो गई भारतीय बल्लेबाजी। पहली पारी में लीवर ने 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। इसी के साथ इंग्लैंड ने इस श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। लेकिन ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की जीत या भारत की हार की वजह से नहीं, बल्कि एक बवाल की वजह से याद किया गया। दरअसल इस टेस्ट में तीसरे दिन जब भारत की बल्लेबाजी चल रही थी तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बिशन सिंह बेदी ने एक अजीब चीज पर गौर किया। बेदी ने नोटिस किया कि लीवर जब रनअप के लिए जाता है तो स्टंप के पास पड़ी एक स्ट्रिप में से कोई चिपचिपी चीज निकालकर माथे पर लगाता है। ऐसा वो हर थोड़ी देर बाद करता है। बेदी ने काफी देर ध्यान देने के बाद इस बात की शिकायत अंपायर से की। अंपायर ने इसके बारे में लीवर से पूछताछ की और उस स्ट्रिप की जांच की। पता चला कि स्ट्रिप में वैसलीन है। लीवर ने अंपायर को बताया कि तेज गेंदबाजी करते हुए उसे बहुत पसीना निकलता है जो माथे से होकर आंखों में जाता है और उसे बहुत परेशानी होती है। वो ये वैसलीन अपनी भौं यानी आईब्रोज में से लगाता है ताकि माथे से बहने वाला पसीना आंखों में न जाए। अंपायर इस तर्क से संतुष्ट हो भी जाते मगर बिशन सिंह बेदी ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। लीवर की इस हरकत पर बेदी आग बबूला थे। उन्होंने हमलावर तेवरों के साथ अंपायर से कहा कि लीवर सबको बेवकूफ बना रहा है। वैसलीन को माथे पर लगाना तो दिखावा है, असल में वो माथे और भौं पर लगी वैसलीन को गेंद में लगाकर गेंद को चिकना और चमकदार बनाता है। गेंद की इसी चमक के चलते लीवर इतनी भयंकर स्विंग करवा रहा है और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। गेंद की सतह पर वैसलीन का प्रभाव साफ है। इस आरोप के बाद इंग्लैंड की टीम भी आक्रामक हो गई। इंग्लिश कप्तान टोनी ग्रेग और लीवर का कहना था कि वैसलीन पसीने के लिए इस्तेमाल की गई, ना कि बॉल से छेड़छाड़ के लिए। बेदी दबाव में है, लगातार हार रहे हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। अंपायरों ने किसी तरह बिशन सिंह बेदी और जॉन लीवर को समझा बुझाकर मैच आगे बढ़ाया, मगर इस विवाद ने भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त कड़वाहट घोल दी। दोनों देशों के अखबार अपनी अपनी टीम के साथ खड़े हो गए, लेख पर लेख लिखे जाते रहे। इसी माहौल के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट खेला गया जो भारत ने जीत लिया। मगर तीसरे टेस्ट का बवाल नहीं थमा। इंग्लिश अखबार बिशन सिंह बेदी के बुरी तरह पीछे पड़े रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उस जमाने में इतना दब्बू था कि उसने बेदी से एकदम किनारा कर लिया, उनके पक्ष में एक बयान तक नहीं दिया। जब दबाव बढ़ा तो बोर्ड ने बस इतना किया कि बेहद लापरवाह अंदाज में उन स्ट्रिप्स को जांच के लिए एक फॉरेंसिक लैब भेज दिया। इस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। मुद्दा लगातार गर्म होता रहा। इंग्लिश मीडिया, अधिकारी और इंग्लिश खिलाड़ी बेशर्मी के साथ लीवर के पक्ष में खड़े रहे, जबकि भारत में बिशन सिंह बेदी एकदम अलग थलग पड़ गए। बेदी को इस पूरे प्रकरण में सख्त जिल्लत उठानी पड़ी।
साथ ही एक बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। इंग्लिश मीडिया और क्रिकेट अधिकारियों के दबाव के चलते बेदी का काउंटी क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। बेदी को काउंटी से बेदखल कर दिया गया। पिछले काउंटी सत्र में उन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लिए थे और वो इस टीम के स्टार थे। इस तरह अचानक काउंटी से बेदखल होने का उन्हें बहुत नुकसान हुआ। बेइज्जती तो हुई ही, मगर बेदी भी बेदी थे। हर तरह का नुकसान उठाया मगर अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। और इस घटना के कई दशक बाद आखिर टोनी ग्रेग ने यह माना कि वैसलीन वाली घटना उनकी टीम की एक गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मगर सच तो यही है कि ऐसा हुआ। टोनी ग्रेग ने यह तो माना कि बॉल पर कोई भी भारी पदार्थ लगाना गलत है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस दिन ऐसा बस हो गया। अक्सर पसीने को आंख में जाने से रोकना था, न कि गेंद को बेईमानी से स्विंग करवाना। तो यह था किस्सा क्रिकेट के पहले बॉल टेम्परिंग कांड का, यानी वैसलीन टेस्ट का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।